मसूरी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस डेली, दिस इज राशि। आज चलते हैं मसूरी का एक्सप्लोर करने के लिए। बस ये 7 बज रहे हैं क्योंकि आप देखो कितनी ज्यादा तेज हो चुकी है, बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। इनफैक्ट शीशे के अंदर से भी ना इतनी ज्यादा गर्माहट महसूस हो रही है कि मुझे स्वेटिंग शुरू हो गई है। बाहर जो है थोड़ी ठंडी हवा चल रही है, जिस वजह से जो मौसम है वो बैलेंस हो रखा है। चलो फिर चलते हैं मसूरी का एक्सप्लोर करने के लिए। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। फर्स्ट डे मेरा इतना अच्छा गया, अंदर सेकेंड डे है तो मैंने मार्केट्स वगैरह एक्सप्लोर किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सच में। मसूरी मतलब मेरा सेकंड फेवरेट प्लेस हो सकता है। यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग अपनी प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हो तो मॉल रोड पर आपको परमिशन मिल जाएगी, अदरवाइज आपको कमर्शियल, आपके जो भी, अगर आप स्कूटी वगैरह रेंट करते हो, बाइक रेंट करते हो, तो वो मॉल रोड पर जाना अलाउड नहीं है। तो चलिए चेकआउट करते हैं क्योंकि मुझे आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए फिर क्या है 10 बजे के यहाँ पर चेकआउट टाइमिंग रहती है, तो 10 से ऊपर ही हो जाएगा। तो बैग वगैरह जो ये है ये सब मैं यहीं पर ही छोड़ कर जाऊँगी, मतलब नीचे रिसेप्शन पर जमा करवा दूँगी, तो कोई इशू नहीं होने वाला। चलो भाई रूम को करते हैं अब, बाय बाय। सभी मैं निकल गई हूँ, जल्दी से टैक्सी पकड़नी है ठीक है। और उसका प्राइस वगैरह है ना, वो सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि जो शेयरिंग टैक्सी का जो प्राइस रहता है वो यहाँ पे कितना रहता है और कितने दिन, मतलब कितने डेज में आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ों को। ये रही मेरी टैक्सी, जल्दी से बैठते हैं इसमें। मॉल रोड से आप 15 किलोमीटर का रास्ता तय करके यहाँ पे पहुँच सकते हैं। मैं पहुँच चुकी हूँ कैम्प्टी वाटरफॉल और इसके बारे में मैं आगे वीडियो बताती हूँ। अभी ऊपर की तरफ मैं आपको दिखा रही हूँ, उसके बाद हम नीचे की तरफ भी जाएंगे। यहाँ पे जो रास्ता है वो ऊपर सीढ़ियों का है, चलते हैं। झरने की आवाज़ तो आप सुन ही पा रहे होंगे, बगल में ही है। गाइज ये है कैम्प्टी फॉल मसूरी के अंदर, जो कि मोस्ट फेमस है, और आप यहाँ पर आ सकते हैं अपना वीकेंड में एंजॉय करने के लिए फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, काफ़ी अच्छा है। मैं भी ऊपर की तरफ हूँ, अभी मैं नीचे की तरफ भी आपको दिखाऊंगी कि कैसा है। देखो अभी मॉर्निंग टाइम आओगे तो यहाँ पर बिल्कुल भी रश नहीं मिलेगा आपको, और आप 12 बजे के बाद आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलने वाली। ऐसे ऊपर की तरफ भी आप ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं, पर यहाँ पे नहाने के लिए बेस्ट ऑप्शन है, पानी भी ठंडा और देख सकते हो आप एकदम साफ सुथरा क्लियर वाटर है। अभी मैं आपको ना यहाँ पर बताती हूँ, जैसे यहाँ पे पीछे ड्रेस वगैरह दे रखी है, आप अपनी ड्रेस पहन के नहीं जा सकते हो, आपको यहाँ पे ड्रेस रेंट पे लेना पड़ेगा, ट्यूब्स वगैरह रेंट पे मिल जाते हैं। तो क्या प्राइस रहता है वो मैं आपको बताती हूँ। चलिए मतलब भैया से बता पूछ के बताती हूँ आपको। भैया यहाँ पे जैसे ये रेंट वगैरह पे जैसे देने हो ड्रेस, तो क्या प्राइस रहता है इसका?
मैडम जैसे ड्रेस लेते हैं आप, तो ड्रेस का प्राइस जैसे 80 रुपए ड्रेस है, तो उसमें चेंजिंग इंक्लूडेड है। ओके, आपको लोअर और टी शर्ट से हाफ में से हाफ में मिलता है। यहाँ पर किचन में चाय कॉफी मेजे वगैरह ये मैगी तीन प्रकार की मिलती है, प्लेन वेज बटर है। उनका प्राइस है प्लेन का 60 है, वेज का 70 है, बटर का 80 है। अगर वेज बटर का नहीं 120 है। और आपको बता दें कस्टमर अपने सामान लेके आते हैं तो उसके सेफ्टी के लिए लॉकर है, लॉकर का रेंट होता है 200 से स्टार्टिंग है। अच्छा, फिर जैसे कस्टमर की थोड़ी कंडीशन होती है 50 या 100 में भी दे देते हैं। ओके, आपको चेंज रूम बताते हैं। अच्छा, चेंजिंग रूम भी है यहाँ पर, इसके ऊपर रेंट वगैरह मिलते हैं। अच्छा, इसका मैम अगर आपके पास अपना कपड़ा है तो अपने कपड़े में पर पर्सन 20 रुपए होता है। अच्छा, हमारे कपड़े ले लो उसमें फ्री होता है। अच्छा, फ्री होता है, इंक्लूड होता है उसके अंदर चेंजिंग रूम। ओके, तो आपको ये ट्रेडिशनल ड्रेस बता देते हैं। ट्रेडिशनल ड्रेस है ये गढ़वाली हिमाचली और गढ़वाली। ओके, इसका क्या प्राइस रहता है? इनमें मैम फोटो का साइज होता है, ड्रेस वगैरह सब फ्री होते हैं। अच्छा, फोटो वगैरह आप ही क्लिक करके दोगे? क्लिक हम करते हैं, प्रिंट आउट निकाल के देते हैं। 100 से स्टार्टिंग है, 4x6 का जो साइज है 100 से स्टार्टिंग है। ओके ओके, और ऐसे बढ़ते बढ़ते 8x12 का, अच्छा 300 का। बच्चों के लिए भी ऑप्शन है यहाँ पे, मैं देख रही हूँ। जी मैम, ये 50 रुपए ड्रेस होता है बच्चों का। अच्छा, और टीशर्ट भी होती है बच्चों। मॉर्निंग में कितने बजे खुल जाता है वैसे? ये सुबह 6 बजे खुल जाता है, सुबह 6 बजे। हाँ जी, और शाम 8 बजे बंद हो जाता है। 8 बजे बंद हो जाता है। हाँ जी, मतलब खुला रहता है, दुकान वगैरह बंद हो जाती है। ऐसे तो 7 स्टेप ऊपर, स्टेप बाई स्टेप 7 स्टेप है। अच्छा, जो मेन पॉइंट है लास्ट पॉइंट वो बहुत ऊपर है, जो ऊपर जहाँ से आ रहा ऊपर। ओके ठीक है, थैंक यू भैया। कोशिश करना 12 बजे से पहले ही आना अगर आपको ऐसा एनवायरमेंट चाहिए, अदरवाइज आपको भी भीड़ ही मिलने वाली है पैर रखने की जगह। ज़्यादा ठंडक लग रही है कि मेरा मतलब जाने का मन ही नहीं कर रहा है। इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे, इतनी ठंडक लग रही है, और ठंडा ठंडा पानी है यहाँ पे, बहुत बढ़िया हो रखा है। आप देख सकते हो कितना साफ पानी है, जो कि ज़मीन में दिखाई दे रही है, और कितना है पानी दिख लो, इनसे अंदाजा लगा लो, कमर तक पानी है। कैंपी फॉल इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस इन मसूरी। टूरिस्ट के सबसे बेस्ट अगर पसंदीदा जगह बताऊँ ना मैं, फेवरेट प्लेस तो यही है कैंपी फॉल। वैसे यहाँ पे नीचे एक्टिविटी पॉइंट भी है, वो भी आपको दिखाती हूँ। इस फॉल की हिस्ट्री के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो जॉन मैकिनन नाम का एक ब्रिटिशियन थे जिन्होंने इस वाटरफॉल को डेवलप किया था, मतलब यहाँ के आसपास के एनवायरनमेंट को उनको ढूंढा था। एक्चुअली क्या था कि जितने भी ब्रिटिशियंस थे ना, वो यहीं पर आके अपनी टी पार्टी वगैरह, कैंप वगैरह ये सब मतलब इंजॉय करते थे, कैंपिंग वगैरह करते थे, तो इसी वजह से इसका नाम ना कैंपटी फॉल था। तो कैंपटी का मतलब समझ लेना आप, कैंप यानी कैंपिंग करना और टी यानी चाय पार्टी, तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर करते थे, इस वजह से इसका नाम कैंपटी फॉल पड़ा। और यहाँ पर सेलिब्रेशन इंजॉय करते थे और अब हम इंडियंस। बाकी आपको यहाँ पे खाने पीने के लिए बहुत सारे इंजॉयमेंट के लिए तैयार, बहुत मज़ा। जब मैं कहूँगी कि आपको ये बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए प्लेस, जाने का मन ही नहीं कर रहा मेरा यहाँ से तो, लेकिन आपको और भी जगह घुमानी है तो जाना तो पड़ेगा ही। यहाँ पर मेन है नीचे की तरफ, ये देखो ये ऊपर की तरफ से ही आ रहा है, ये पूरा नीचे की तरफ है। और जितनी जैसे यहाँ पे अलग अलग पूल वगैरह ही बने हुए हैं, आप नीचे जाने के लिए ऑप्शन है कि आप बाय स्टेयर भी जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टेयर्स है, स्टेयर से भी जा सकते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास रहेगा कि आप रोपवे का भी यूज़ कर सकते हो। ये देखो, अगर आप रोपवे से जाते हो तो 250 प्राइस लगता है पर हेड, इसमें आना और जाना दोनों इंक्लूड रहता है। तो अगर आप लोग मतलब जाना चाहते हैं तो 250 के हिसाब से आप लगा लेना, फैमिली फ्रेंड के साथ हो तो या फिर जैसे भी हो। बाकी स्टेयर्स ऑप्शन रहेगा ही आपका, स्टेयर से भी नीचे की तरफ जा सकते हैं। रोपवे में तो ये है कि विद इन 5 मिनट के अंदर आप नीचे पहुँच सकते हैं, 250 पर हेड यहाँ पर प्राइस लगेगा। तो और सेकेंड ऑप्शन आपके पास स्टेयर, मैंने आपको बताया स्टेयर भी है, आप स्टेयर के थ्रू भी जा सकते हो। मौसम यहाँ पे इतना गर्म नहीं है, प्लीजेंट मौसम है,
कि आपको ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है या कुछ है, काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है, धूप है लेकिन ठीक है, समर वेकेशन के लिए बेस्ट ऑप्शन है मसूरी। मैं आपको यहीं से दिखाती हूँ नीचे की तरफ कितनी ज़्यादा भीड़ है, ये देखो। और इसलिए मैंने ना ऊपर प्रेफर किया, मैंने आपको ऊपर की तरफ दिखाया क्योंकि वहाँ पे अच्छा ऑप्शन है, शांति भी है। यहाँ पे सिर्फ आपको यही है कि ऊपर से वाटरफॉल, यहाँ पे उसकी हाइट ज़्यादा रहती है, बाकी जो मेन ऊपर से आ रहा है वो भी आपको दिखा दूँ कि 7 स्टेप ऊपर है, यानी कि ये तो मैंने फर्स्ट आपको दिखाया, उससे ऊपर फिर उससे ऊपर ऐसे 7 बार है, तो ऊपर की तरफ आप जा सकते हो अगर आपको पूरा मेन वाला देखना है। लेकिन नहाने के लिए ऑप्शन आपको यहीं मिलने वाला है, यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे क्या है, मेन है एक्टिविटीज़, यहाँ पे आपको एक्टिविटीज़ मिलने वाली है। ये देखो बोटिंग, स्विमिंग, एडवेंचर पार्क एक छोटा सा बनाया हुआ है यहाँ पर, ये देख सकते हो, माउंट व्यू रिजॉर्ट इंजॉइंग बोटिंग स्विमिंग एडवेंचर पार्क एट कैंपटी फॉल। तो वहाँ पर बोटिंग होती है, बच्चे वगैरह इंजॉय कर सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन है कि आपको नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। तो मुझे अभी ना बोटिंग करनी है ना इंजॉय करना है, फिलहाल मुझे आपको एक्सप्लोर करवाना है, तो मैंने आपको ये जगह बता दी है, एक अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए कैंपटी फॉल। आज की एक टिप के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आज की टिप यह है कि अगर आप आगे की तरफ जाकर मेन कैंपटी फॉल यानी रोपवे के पास पार्किंग लेते हैं तो वहाँ पे आपको 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं, ठीक है, पर आर का। और लेकिन और सेकंड ऑप्शन आपके पास रहेगा फ्री वाला, तो फ्री वाले के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट शेयर करो, तभी मैं आपको बताने वाली हूँ। मसूर की घाटियों के बीच में बसा हुआ है ये वाटरफॉल, ये देखिए देखिए अपने आप में ही एक खूबसूरत नज़ारे के साथ घिरा हुआ है। फ्री के लिए ऑप्शन ये है कि अगर आप किसी जैसे यहाँ पे छोटे मोटे स्टॉल्स हैं उनके पास अपनी पार्किंग लेते हो और साथ में उनका अपना कुछ लंच वगैरह छोटा मोटा कुछ सामान खरीद लेते हो तो फ्री दे देते हैं, तो काफ़ी सही ऑप्शन है। तो इस टिप के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर है। एक और छोटी सी टिप जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सबके लिए, बच्चों से लेके बड़ों के लिए, वो है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, आपको टैन करने के लिए बहुत 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 काफ़ी है। कैप वगैरह आप रखना, बाकी गोगल्स वगैरह आप अपने रखना, सनस्क्रीन को बिल्कुल मिस मत करना। यहाँ पर स्टॉल है, यहाँ पर सामने पार्किंग वगैरह लगा रखी है लोगों ने, तो आप ऐसे करके लगा सकते हो अगर आपके पास इस तरह का व्हीकल है तो, यानी कि आप अगर आप बाइक या स्कूटी से राइड करके आए हो तो, ठीक है। बाकी कार के लिए आपको आगे की तरफ ही पार्किंग मिलने वाली है। तो यहाँ से आप आवाज़ सुन सकते हो कैंपटी फॉल की, काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही है। और ये देखो काफ़ी तेज़ भाव में बहता हुआ आ रहा है, तो ये ऊपर की तरफ से बहता हुआ आ रहा है और यहाँ पे नीचे की तरफ आके पूरा ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे आपके पास है एडवेंचर पॉइंट, ये एडवेंचर एक्टिविटीज़ वगैरह जो भी कर सकते हो आप यहाँ पे कर सकते हो। आपको पार्किंग के लिए 100 रुपये चार्ज करना पड़ता है और बाकी आप ऊपर जाने के लिए एंट्री फीस है जॉर्ज एवरेस्ट के लिए वो 200 रुपये है, ठीक है। अगर आप नहीं जाना चाहते पैदल तो यहाँ पर एक इस तरह की कार्ड जाती है ऊपर, इस तरह का, वो आपसे 100 रुपये चार्ज करता है ऊपर पहुँचा देता है आपको। बाकी आप पैदल जा सकते हैं, 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है। अभी मैं हूँ जॉर्ज एवरेस्ट जो कि यहाँ का मोस्ट अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस है, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे कितनी सुंदर यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है, बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है। और एक बार आपको यहाँ का व्यू भी दिखाती हूँ किस तरह का है। मेन जो है वो ऊपर की तरफ है जहाँ पे आपको 200 रुपये एंट्री फीस देनी पड़ती है और 100 रुपीज़ आपसे पार्किंग का चार्ज जाता है। अगर आपका कमर्शियल नहीं है तो आपको 100 रुपीज़ चार्ज देना पड़ेगा, अदरवाइज आप शेयरिंग टैक्सी वगैरह में आ रहे हैं तो आपका कोई चार्ज नहीं है। जॉर्ज एवरेस्ट जो जगह है ये एक ब्रिटिश थे, जॉर्ज एवरेस्ट उनका नाम था, उन्हीं के नाम से ये जगह मशहूर है। मसूरी में फर्स्ट डे आप पहले चले जाइए कैंपटी
ऑफ ऑल मॉर्निंग में उठकर जितना जल्दी हो सके, और उसके बाद सेकंड अपना आ जाइए जॉर्ज एवरेस्ट, थर्ड आप अपना चले जाइए क्लाउड एंड। मैं कह रही हूँ तीन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है जो आपको मसूरी में आकर जरूर कवर करनी चाहिए। अदरवाइज छोटी मोटी जगह तो बहुत सारी है, बाकी नाग टिब्बा है, लाल टिब्बा है, वो सब अगर आप अपना एक्स्ट्रा डे लेके आ रहे हैं तो आप उसके अंदर कवर कीजिए। ये सब होने के बाद, तीनों चीज़ें कवर होने के बाद, शाम को आपके पास ऑप्शन रहता है मॉल रोड का। मॉल रोड पे खाइए, पीजिए, शॉपिंग कीजिए और इंजॉय कीजिए। जॉर्ज एवरेस्ट जब आप यहाँ पर आएंगे तो बीच में कंपनी गार्डन पड़ता है, वैसे वो बच्चों के लिए वहाँ पे झूले वगैरह है, शॉपिंग वगैरह करने के लिए है, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। उसके लिए भी पर हेड 50 रुपीज़ चार्ज किया जाता है। तो अभी मैं जॉर्ज एवरेस्ट हूँ, आपको दिखाती हूँ जॉर्ज एवरेस्ट किस तरह का है। देहरादून से जॉर्ज एवरेस्ट के लिए आप हेलीकॉप्टर राइड भी ले सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हेलीपैड भी है। बहुत अच्छी सी जगह मेरे को यहाँ पे देखने को मिली, लेकिन यहाँ पे ये क्या है कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बाकी इसका स्ट्रक्चर देखो कितना मस्त है, काफ़ी पुराना है, 1888 का यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये तब से है। तो अभी भी यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो मतलब इंडियंस ही रहते हैं, ब्रिटिशियंस तो नहीं है, इंडियंस लोग रहते हैं, तो उनकी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो अभी मैं जा रही हूँ यहाँ पे खाने पीने के लिए। बाकी जो फूड आइटम्स यहाँ पर जो फेमस है वो कौन से हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा, तो उसे मिस मत करना। तिब्बतन फूड भी आपको मैं यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर मेन जो खर्चा है ना आपका, स्टे बहुत महंगा मिलने वाला है आपको। स्टे यानी आप लगा लो 2000 से नीचे तो कहीं बात है ही नहीं, और 2000 के जो रूम है वो भी आप कहोगे यार 2000 में तो बिल्कुल वर्थ नहीं है। सेकेंड आपका जो खर्चा होने वाला ज़्यादा यहाँ पर वो है कि आप कहीं पर भी जाते हो, कंपनी गार्डन जाओ या फिर कोई भी जगह पे कैंपिंग वाटरफॉल जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, हर जगह आपको ना कुछ पे करना ही पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपके जॉर्ज एवरेस्ट गई थी तो वहाँ पे 200 पे करना पड़ा, ऐसे ही आप अगर कंपनी गार्डन जाओगे वहाँ पे आपको 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, क्लाउड एंड में आपको 200 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो इस तरह से खर्च ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे आप रोपवे से ऊपर की तरफ जा सकते हैं, गन हिल है, वहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ से आपको मसूरी की 360 डिग्री एंगल पे आप सारी मतलब ये व्यू है उसको देख सकते हैं। रोपवे ये रहा, जो कि झूला घर के नाम से यहाँ पर एक जगह है, वहाँ पर आपको आना पड़ेगा। ये रोपवे आपको वहाँ मिलेगा, तो लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर है मेन मॉल रोड से। पहाड़ों का फ्रेश वाटर पीते हैं, ठंडा पानी आ रहा है। ये मसूरी का टैक्सी, यहाँ पर आप ये देखो टैक्सी वगैरह दे रखी है ऋषिकेश वगैरह के लिए, चार धाम के लिए कितना है, गंगोत्री, यमुनोत्री, भाटा फॉल्स, सहस्रधारा, पूरा यहाँ पे दे रखा है। चलो अब वापस चलते हैं दिल्ली की तरफ। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। कमेंट में जरूर बताना कि मिस ये मसूरी का ट्रिप आपको कैसा लगा। बाकी नेक्स्ट टाइम और भी जगह एक्सप्लोर करेंगे हम, तब तक के लिए बाय बाय।